हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़े थे एग्जांपल्स, ठीक है। चैप्टर हम पढ़े थे फर्स्ट सिस्टम ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स। कल एग्जांपल फर्स्ट किया था, सेकंड किया ना। एग्जांपल नंबर थर्ड देखी सभी। एग्जांपल नंबर थर्ड में सो दैट द पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ये कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे, तो क्या बनाते हैं कि ये आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्केल माने समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, और एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें केवल कितने, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे, तो हमें दो भुजाएं तो क्या दिखानी इसकी, बराबर, और एक एंगल कैसा दिखाना हमें, 90 डिग्री, ठीक है। सपोज ये हमने ए मान लिया, बी मान लिया, और ये क्या मान लिया, सी। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या दिखा दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो एंगल भी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स देखिए क्या क्या दे रखे, एग्जांपल नंबर थर्ड में देखिए। एग्जांपल नंबर थ्री में पॉइंट्स दे रखे, तीन पॉइंट्स दे रखे। पहला पॉइंट बोलो, लेट ए मान लो इसको, पहले पॉइंट को क्या मान लीजिए, ए। एग्जांपल नंबर थ्री, लेट पॉइंट ए देखिए कितना, 0, 7, 10। दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, बी, -1, 6, 6 एंड डी बराबर, हाँ सी आएगा, सी देखिए क्या, -4, 9, 6। तो ये पॉइंट्स क्या बनाते हैं, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये सिद्ध करना। तो चलिए पहले डिस्टेंसेस निकाल लीजिए, ये पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मैंने कल लिखवाया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इसमें से देखिए, -1 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1, 6 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, वहाँ से बोलिए, ठीक है, कितना आएगा, 16। रूट कितना आ गया, 18, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, 2 × 9 लिख सकते हैं इसको, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा, 3√2। किसकी वैल्यू आ गई, ये ए बी की। ए बी के बाद बी सी निकाल लीजिए, बी सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना, -4 - - क्या हो जाएगा, -4 + 1 का होल स्क्वायर, आगे बोलो, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये दो। देखना कितना बचा, ये अंडर रूट कितना बचाएगा, 9। फिर बोलो इसे कितना आएगा, 9, और वो कितना हो गया, 0। ये भी कितना आ गया, √18 ही आ गया। किसकी वैल्यू,
बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, रूट अट्ठारह। रूट अट्ठारह मतलब तीन रूट, दो दो बुझाएँ बराबर ना आ गई। तो आइसो स्केल्स है या नहीं है, राइट एंगल भी दिखाना है इसको। चलिए क्या निकाल लीजिए, ए सी या सी ए निकाल लीजिए। ए सी बोलिए माइनस चार माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, माइनस चार माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, नौ माइनस सात का होल स्क्वायर, नौ माइनस सात का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टेन का होल स्क्वायर। अंडर रूट में देखिए क्या बच जाएगा, ये चार चौक सोलह, दो दुनी चार प्लस सोलह कितना आ गया, रूट छत्तीस से कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, ये ए सी की वैल्यू। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ए सी। तो राइट एंगल दिखाने के लिए ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यदि आ गया तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसो स्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। समझ में आया, करिए। चलिए आगे देखो इसको, इसके बाद ठीक है। नाउ ए सी का स्क्वायर चेक करेंगे हम, ए सी का स्क्वायर क्या आना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यदि ये बराबर आएंगे तो कौन सा एंगल 90 आएगा, ए बी या सी, बी एंगल 90 आएगा। अब देख लो जरा, ये हमने ए मान लिया, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए सी, यहाँ कितना आएगा, बी, सबसे बड़ी भुजा, तो ए सी के सामने कौन पड़ेगा, बी, तो यही क्या होना चाहिए 90। कौन कौन सी भुजा बराबर आनी चाहिए, ए बी और ए बी, बी सी बराबर नहीं है क्या, ठीक है। तो अभी इसे चेक करिए, एंगल बी 90 डिग्री है या नहीं है, ए सी का स्क्वायर करना 36, ए बी बोलना कितना, नौ दूनी 18 प्लस 18 36 बराबर 36। इसलिए बताइए एंगल कौन सा, बी बराबर कितना आ गया 90। तो लिखते हैं सिंस ए बी तो किसके बराबर आया, सिंस ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, एंड एंगल कौन सा बराबर किसके है 90 की, तो लिख देंगे हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसो स्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। करिए, पढ़ लिया लिख दीजिए बाद में, हैंस गिवन पॉइंट्स, हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसो स्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। जो गिवन पॉइंट है वो क्या बनाते हैं, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर करेंगे अब, एग्जाम्पल नंबर फोर पढ़िए। चलिए बुक में देखिए सभी, एग्जाम्पल नंबर फोर। पी इज ए वेरिएबल पॉइंट, पी क्या दे रखा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसको मानते हैं पी एक्स वाई जेड। पी वेरिएबल पॉइंट है तो पी को क्या मानेंगे हम, एक्स वाई जेड, पी के जो कोऑर्डिनेट मानेंगे। आगे पढ़ो, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू गिवन पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर, ये दे रखी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लोकस ऑफ पी इफ 3 पी ए बराबर किसके 2 पी बी।
पी का क्या निकालना, लोकस, लोकस यानी कि बिंदु पथ निकालना, ठीक है। तो गिविन है, बोलो एक ए दे रखा ना, ए के कोऑर्डिनेट देखियो क्या क्या, माइनस टू टू थ्री, एंड बी के कोऑर्डिनेट देखना थर्टीन माइनस थ्री थर्टीन। पी क्या दे रखा, वेरिएबल पॉइंट दे रखा, जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसको हम मानते हैं लेट पी, बताइए क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और पी का लोकस निकालना, बिंदु पथ निकालना, ठीक है। और देखिए एंड गिविन और दिया है, एंड गिविन, ठीक है, और देखिए क्या दिया है, थ्री पी ए बराबर टू पी बी, थ्री पी ए बराबर टू पी बी। पहले पी ए निकाल लेंगे, ठीक है, पी ए मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो थ्री तो है ये, पी ए के बीच की दूरी का फॉर्मूला बोलना, अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। भाई जैसे पी ए निकाल रही, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कर लो, या जैसे हम फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने दो बिंदु के बीच की दूरी का, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस, या ये भी लगा सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस, ऐसा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बराबर टू पी बी बोलना, अंडर रूट आएगा, पी बी के लिए बोलना एक्स माइनस थर्टीन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थर्टीन का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए तो रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो बोलिए यहाँ तीन तिया नौ क्या जाएगा, बोलो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर फोर, ठीक है, बोलो कितना, एक्स माइनस थर्टीन का होल स्क्वायर प्लस प्लस, तो होल स्क्वायर खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अलग एक जगह इकट्ठा कर देंगे इनको, तो क्या आ जाएगा, पी का लोकस आ जाएगा, बिंदु पथ आ जाएगा, तो बाद में लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पी, कंप्लीट करना इसको ना कर लीजिए। एग्जाम्पल फाइव नहीं करना इसमें, फोर तक ही एग्जाम्पल करनी। अब नया आर्टिकल पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूले, चलिए इसके बाद देखिए, चलिए हाँ फॉर्मूला पढ़िए। देखो कोई पॉइंट है हमारे पास P, लेट P x y z बी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ठीक है, मान लिया P एक हमें बिंदु निकालना, ठीक है, P जो निकालना हमें क्या निकालना, एक बिंदु रिक्वायर्ड यानी कि जो जिसको हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब ये देखिए किस तरह का पॉइंट है, ये द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू इंटरनली इन द रेसो एम वन रेसो एम टू आर गिवन बाई। जो ये पॉइंट मिलेगा भाई, हमें दो पॉइंट दे रखे होंगे, एक पॉइंट तो क्या दे रखा पी, पी के कोऑर्डिनेट बोलना क्या दे रखे, एक्स वन वाई वन जेड वन,
दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। एक पॉइंट कौन, पी, पी इस लाइन को इंटरनली यानी कि अंतः विभाजित करता है किस रेशो में, एम वन रेशो एम टू में। एक पॉइंट हमें ज्ञात करना, कौन सा पॉइंट ज्ञात करना हमें, ठीक है, हमें एक पॉइंट ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, पी एक्स वाई जेड ज्ञात करना, ठीक है, कौन सा पॉइंट ज्ञात करना हमें, पी ना मान के, यदि पी तो हमने यहाँ मान रखा इसको, है ना, तो इसको कुछ और मान लीजिए, चलिए बस एक्स वाई जेड रहने दीजिए, ठीक है। हमें दो पॉइंट दे रखे, एक पी दे रखा और एक क्यू दे रखा, ठीक है, एक बिंदु इसको लाइन को अंतः विभाजित कर रहा किस अनुपात में, एम वन रेशो एम टू। तब ये बिंदु देखिए, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की, एक्स बराबर आएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। वाई बराबर आएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। जेड बराबर आएगा एम वन जेड टू प्लस एम टू जेड वन बटे एम वन प्लस एम टू, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये है पी क्यू, इसे कोई बिंदु यहाँ पे, ठीक है, अंतः विभाजित कर रहा, तो इस अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक मिलेंगे किससे मिलेंगे, एक्स वाई जेड इन फॉर्मूले से मिलेंगे, ठीक है। यदि कहेगा एक्सटर्नली, यदि ये जो पॉइंट है बीच बीच, इंटरनली ना होगा कैसा हो जाए, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली देखो कैसे होता है भाई, मान लिया यहाँ क्या है, पी है और यहाँ क्या है, क्यू है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट आ गया, क्या, एक्स वाई जेड आ गया, पी के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वन वाई वन जेड वन, क्यू के क्या, एक्स टू वाई टू जेड टू। ये बिंदु इसे अंतः विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा, ठीक है, एक्सटर्नली, है ना, एम वन एम टू रेशो में, ठीक है। तो ये जो बाह्य बिंदु आया, तो इस बिंदु के हमें क्या निकालने, निर्देशांक, तो उसके निर्देशांक कितने होते हैं, एक्स बराबर आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, एक्स बराबर जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, यदि ये भाई इंटरनली की जगह क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, एक्स बराबर क्या आएगा, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस, तो वाई क्या आ जाएगा, एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। ऐसी किसके लिए आ जाएगा, जेड के लिए। तो ये सारी लैंग्वेज यहाँ से लिख के बस इंटरनली की जगह क्या कर देंगे, एक्सटर्नली, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी मिड पॉइंट भी पूछ सकता है, तो मिड पॉइंट में ये जो पॉइंट है बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में, तो एम वन किसके बराबर होगा, एम टू के। एम वन बराबर किसके होगा, एम टू के। जब दोनों बराबर होंगे तो यहाँ भी एम वन लिख दो, यहाँ भी एम वन लिख दो, हर जगह एम वन कर दो, एम वन कॉमन आएगा, तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, x बराबर आएगा x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू। यदि हमें मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट किसका निकालना, पी क्यू का निकालना, तो बोलो क्या फार्मूला बनेगा, x बराबर क्या आएगा, x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई बराबर क्या आएगा, y1 वन प्लस वाई टू बाई टू, जेड क्या आएगा, z1 वन प्लस जेड टू बाई टू, ठीक है। करिए, नोट करिए इसको, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ जॉइन एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो एक्स से आएगा, क्या आएगा, एक्स वन प्लस
एक्स टू वाई टू, वाई क्या आएगा वाई वन प्लस वाई टू वाई टू, जेड बराबर क्या आएगा जेड वन प्लस जेड टू वाई टू। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के क्या है ये निर्देशांक। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस माने होता है सीड्स। ठीक है, हमें सेंट्रोइड निकालना किसका, किसी त्रिभुज का निकालना जिसके सीड्स क्या क्या दे रखे, वर्टिसेस क्या क्या दे रखे, ए एक्स वन वाई वन जेड वन, बी क्या दे रखा है एक्स टू वाई टू जेड टू, एंड सी क्या दे रखा है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इज ए पॉइंट। ठीक है, किसके बराबर होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री कोमा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री। तो ये किसी त्रिभुज का क्या होता है, ये सेंट्रोइड होता है। लिखिए, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की कुछ कंडीशंस होंगी वो देखेंगे। क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है, ठीक है, वर्ग कब होता है, कुछ कंडीशंस हैं। चलिए अभी लिखाऊंगा इसको, पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसकी बात समझिए। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं चतुर्भुज, इसकी कितनी भुजाएं होती हैं चार। ए क्वाड्रिलेटरल क्या, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ ए बी बराबर किसके सी डी एंड बी सी बराबर किसकी आ जाए ए डी के। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, कब कहलाता है, यदि ए बी किसके बराबर सी डी, यानी कि ए बी बराबर किसकी आ जाए सी डी और बी सी किसके बराबर ए डी के, तो ये क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। एक क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं कैसी हों, समान हों। ए बी बराबर किसके बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ये क्या बना दिया हमने, कोई एक रोम्बस बना दिया, सम चतुर्भुज बना दिया। इसके बाद क्या कहलाएगा वो क्वाड्रिलेटरल, क्या कहलाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। कब कहलाएगा ये रेक्टेंगल, कब कहलाएगा, यदि ए बी बराबर किसके ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, और इसके जो डायगनल हैं, इसके जो विकर्ण हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए, ए सी बराबर किसके भी होना चाहिए बी डी के, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, यदि इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ग। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी बराबर किसके हो बी डी के हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। देखो स्क्वायर में और रोम्बस में क्या अंतर है, इसमें डायगनल भी कैसे होते हैं, इसमें डायगनल इक्वल हो या ना हो, ठीक है ना, तो इसमें तो बस क्या होना चाहिए, चार भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा ये रोम्बस। और स्क्वायर में उसके डायगनल भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात समझ में आई। देखो ये हम जो पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन है, इसका बाद वाला पोर्शन, उसके तीन चैप्टर हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, और अभी हमने ये ज्योमेट्री स्टार्ट करी है। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर तो हो गया है, ये सेकेंड लेक्चर है, तो जो इसका कम्प्लीट कोर्स है, ठीक है, तो वो तुम्हारा कहाँ मिलेगा, पी सी एम गुरु एप्लीकेशन पे मिलेगा।
ठीक है। तो जिसको भी कंप्लीट कोर्स लेना तो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। तो ये जो बुक है कंप्लीट, ठीक है, एप्लीकेशन पे कराई जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है हमारे PCM गुरु, ठीक है। और जो एक बुक की फ़ीस होती है वो होती है 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। तो जिसको भी कंप्लीट बुक पढ़नी, तो ये सारी वीडियो ठीक है यूट्यूब पर नहीं आएंगी। जो कंप्लीट वीडियो आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, PCM गुरु ऐप पे आएंगी, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है।